नमस्कार, मध्य प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। रतलाम शासकीय मेडिकल कॉलेज में विधायक के निजी खर्च से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट शुरू हो गया है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से किया है। दरअसल बीते दिनों कोरोना काल में जब मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन को लेकर हड़कंप मचा था, तभी विधायक चेतन कश्यप ने अपनी ओर से मेडिकल कॉलेज में छोटी 70 ऑक्सीजन मशीन अपने निजी व्यय से देकर 60 बेड के 2 वार्ड तैयार किए थे। वहीं पर शासकीय मेडिकल कॉलेज में विधायक चेतन कश्यप ने अपने खर्च से 1.2 करोड़ की राशि से ऑक्सीजन का बड़ा प्लांट डालने की घोषणा की। वहीं पर रतलाम में शुभारंभ आयोजन में मंत्री जगदीप देवड़ा, सांसद गुमान सिंह व विधायक चेतन कश्यप शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच में बंद कमरे में 1 घंटे तक चली चर्चा में अब सूबे की सियासत को गर्म कर दिया है। इस मुलाकात के बीच में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसको लेकर विजयवर्गीय की प्रदेश में सक्रियता की बात भी कही जा रही है और कई नए समीकरण भी बनने पर चर्चा है। वहीं पर पूर्व सीएम कमलनाथ के पास में हनी ट्रैप केस की पेन ड्राइव को भी इसी सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर लगभग 1 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा की। इस सियासत के अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में अब मध्य प्रदेश में विजयवर्गीय अपनी सक्रियता को बढ़ाने के साथ में ही प्रदेश की सियासत के नए समीकरण को गिनने का काम कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की है, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से कहा कि आप सभी और आमजन के सहयोग से कोरोना नियंत्रित हो रहा है। निसंदेह इस नियंत्रण में जनता का अभूतपूर्व सहयोग मिला है। आगे भी अपेक्षा है कि इसी प्रकार से सावधानी बरती जाएगी और उन्होंने कहा कि आप सावधानी लगातार बरतते रहिए। आप भी सुनिए। लगातार कोरोना से ठीक संकेत प्रदेश के अंदर आते जा रहे हैं। कोरोना के आज नए मामले 1205 आए हैं और ठीक होके जाने वालों की संख्या 5023 है। लगभग 5 गुने के आसपास ठीक होके जा रहे हैं लोग। सुखद समाचार है, ऑक्सीजन इंजेक्शन, वेंटिलेटर, आईसीयू, सीसीयू, किसी चीज की दिक्कत आज प्रदेश में कहीं भी। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दरिया दिली दिखाते हुए घायल महिला की मदद की है। सांसद ने अपने काफिले के वाहन से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद में भाजपा सांसद की लोग तारीफ कर रहे हैं। वहीं पर भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कहीं जा रही थी, इसी दौरान भोपाल की जो वीआईपी रोड है उस पर उन्हें एक घायल महिला सड़क किनारे लेटी हुई दिखाई दी। इस पर सांसद ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई, महिला का हालचाल पूछा। सांसद ने देखा कि महिला गंभीर रूप से घायल है, तो उन्होंने तुरंत अपने काफिले की गाड़ी से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। गौरतलब है कि जब सांसद मौके पर पहुंची, तब तक पुलिस या फिर राहत दल से भी कोई व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा था और राहगीर महिला को देखकर खड़े लोग ताक रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ पाया। इस पर सांसद साध्वी प्रज्ञा ने घायल महिला के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। भोपाल की सांसद लंबे समय बाद सक्रिय नजर आ रही हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर वो सुर्खियों में रहती हैं और अब उन्होंने एक घायल महिला की मदद की है, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच में मध्य प्रदेश में सब जगह कोरोना दवाओं के चोर पकड़े जा रहे हैं। वहीं अब ये मामला राजनीतिक मोड़ ले चुका है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि गृह मंत्री जवाब दें कि हमीदिया अस्पताल से चोरी हुए रेमडेसिविर के 425 इंजेक्शन, जिनका हिसाब नहीं मिल पा रहा, उसके आरोपी कब पकड़े जाएंगे। सुनिए। मेडिकल कॉलेज के हमीदिया अस्पताल से चोरी गए रेमडेसिविर इंजेक्शंस का पता आज तक नहीं चला है। 2 महीने घटना को हो रहे हैं। गृह मंत्री जी क्या इस बात का जवाब देंगे कि जो 425 इंजेक्शन जिनका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, पूरे प्रदेश में नरपिशाच पकड़े जा रहे हैं, तो वो 425 इंजेक्शन चुराने वाले नरपिशाच।
कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पत्रकारों से बातचीत की है और बताया है कि कांग्रेस ने मांग की है कि मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर निरंतर सेवाएं दी गई, उसी का परिणाम है कि अस्पतालों की सेवाओं हो या फिर अन्य आपातकालीन सेवाएं हो, वो निरंतर काम कर सकी। इसके बाद भी विद्युत कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मध्य प्रदेश में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिस तरह से कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर निरंतर सेवाएं दी, उसी का परिणाम है कि तमाम चाहे अस्पतालों की सेवाओं हैं या अन्य इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो निरंतर काम कर सकें। उसके बाद भी सरकार द्वारा विद्युत कर्मियों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा नहीं दिया जाना और यहाँ तक कि कोरोना योद्धा नहीं माना जाना दुखद है, अन्यायपूर्ण है, जबकि सैकड़ों विद्युत कर्मियों की कोरोना की वजह से मौत। वही मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं केंद्र में। इस सरकार के इतने समय पूरा होने के उपलक्ष में बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान चला रही है और देश प्रदेश में कोरोना से जुड़े हुए विशेष राहत और बचाव अभियान चल रहे हैं। इसी कड़ी में इंदौर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 साल पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी ने जो हम कार्यकर्ताओं को आह्वान किया था, उसी के अंतर्गत आज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में, वार्ड क्रमांक 6 हमारे लोकप्रिय पार्षद जो हमेशा सामाजिक क्षेत्रों में हर क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, माननीय दीपक जैन टीनू भैया, उन्होंने आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। एक तो जनता क्लिनिक के माध्यम से लगातार 3 वर्षों से वह बस्ती क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं उनकी सेवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर बेगमगंज नगर के सभी वार्डों समेत वार्ड नंबर 13 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा महाअभियान सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत वार्ड में फल, सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए हैं और प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही 2 गज की दूरी के साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए सतत सुरक्षात्मक उपाय करते रहने को कहा गया है। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में मौजूद रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रत्येक गाँव में और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में सेवा महाअभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सैनिटाइजर, मास्क वितरण, फल वितरण आदि का कार्यक्रम किया गया और सभी को वैक्सीनेशन के प्रति लगवाने के लिए जागरूक किया गया और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अधिक से अधिक 2 गज की दूरी रखते हुए इस कोरोना की महामारी को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया गया है। धार में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसकी जानकारी देते हुए धार DM आलोक कुमार ने बताया है कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब बाजारों को खोला जाएगा और नियमों के उल्लंघन पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर बाजार सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेंगे। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। स्पेसिफिक निर्देश कल पूरे निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। जो मुख्य बिंदु हैं उसमें यह है कि 1 तारीख से अनलॉक शुरू होगा, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक छूट दी जाएगी, उसके बाद शाम को 6 बजे से। वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कोरोना संक्रमण काल में सिंगरौली के अपर कलेक्टर संपदा सराफ से जिले के कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों और उससे निजात किस तरह से दिलाया जाए, पाया जाए, इसे लेकर बातचीत की है। संपदा सराफ ने सोनू सूद को जिले की स्थिति के बारे में बताया। इस दौरान सोनू सूद ने संपदा सराफ समेत 4 अन्य जिला प्रशासक के अधिकारियों की तारीफ की है। वहीं पर संपदा सराफ ने भी सोनू सूद के द्वारा किए जा रहे नेशनल लेवल पर कोरोना संक्रमण के इस भीषण संकट में जो काम किए गए हैं उसकी सराहना की है, उन्हें धन्यवाद किया है।
खबर इंदौर से है, जहां पर रावजी बाजार पुलिस ने लगभग 13 ठेले वाले व बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की है। बता दें कि इंदौर में शनिवार और रविवार के चलते शहर में संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश पहले से ही प्रशासन द्वारा दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र में सड़कों पर निकलकर ठेला गाड़ी वालों पर और सब्जी फल जो बेच रहे थे, इसके बाद थाना रावजी बाजार द्वारा सभी ठेला जो गाड़ी है उन पर जो है कार्रवाई की गई है और सभी को जेल भेजा गया है। वहीं पर प्रशासन द्वारा आम जनता से अपील की गई है कि शहर में लगातार कोरोना महामारी के चलते बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोरोना गाइडलाइंस जो भी हैं कलेक्टर साहब द्वारा जो जारी किए हैं, समस्त प्रकार की दुकानें, समस्त लोगों का अनावश्यक निकलना, ठेले वालों का अनावश्यक भ्रमण करना सभी पूर्ण तरह से प्रतिबंधित था। हमारे क्षेत्र में जो ठेले वाले अनावश्यक रूप से भ्रमण करते हुए सब्जी बेचते हुए पाए गए, उनको हमने पकड़ के ठेले जो हैं उनके परिवार के सुपुर्द करके और उन पे 151 की कार्रवाई की है। सभी 13 लोग जो हैं सेंट्रल। वहीं होमगार्ड कार्यालय में बीते काफी समय से कार्य कर रहे होमगार्ड कर्मचारियों को 2 महीने का ब्रेक दिया गया है, जिसे लेकर होमगार्ड कर्मचारियों में असंतोष है। होमगार्ड कर्मचारियों का कहना है कि दिन रात होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा काम किया जाता है, लेकिन उन्हें ना तो 12 महीने ड्यूटी दी जाती है और ना ही वेतन। होमगार्ड कर्मचारियों का कहना है कि इन 2 महीनों में वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, जबकि नरोत्तम मिश्रा समेत सीएम के द्वारा ये बयान दिया गया था कि जल्द ही होमगार्ड कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। करना चाहता हूं कि हमारे परिवार का भरण पोषण का ध्यान रखें और हमारे परिवार के दुख दर्द को सहमत दें। मैं यही अपेक्षा चाहता हूं और अपने अधिकारियों से यही अपेक्षा चाहता हूं कि हमारे लोगों के परिवार की भरण पोषण के लिए दिशा निर्देश दें। समस्या ये आ रही कि हम लोगों का हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट से आदेश है, तब भी हमारे माननीय अधिकारी महोदय दिशा निर्देश का कोई पालन नहीं करते हैं। मैं उनसे बारंबार यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे परिवार का ध्यान रखते हुए हम लोगों को दुख दर्द में सहमत होने की कृपा। पिछले दिनों इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में दूरदर्शन के अधिकारी के सूने घर पर चोरी का खुलासा करते हुए पलासिया पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक खरीददार भी शामिल है जिसने चोरी का माल खरीदा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। दरअसल पिछले दिनों इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में रहने वाले दूरदर्शन के अधिकारी विजेंद्र बरानिया के सूने घर में चोर घुस गए थे और अलमारियों के ताले तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी चुरा कर फरार हो गए थे। इंदौर में लॉकडाउन होने के बाद भी सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग फल सब्जी लेने पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। निगम और प्रशासन के अमले के साथ में सिंधी कॉलोनी में कार्रवाई करते हुए मौके से सब्जी फल बेचने वालों को पकड़ा गया है और जेल भेजा गया है। वहीं पर पूरी कॉलोनी के रास्तों को प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया। पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। ये यून इंदौर क्षेत्र में तीनों थानों में, थाना भरपुआ, थाना राजू और थाना यून इंदौर में तकरीबन 40 लोगों को जो है वो 151 किया गया। इनके द्वारा जो है कर्फ्यू का उल्लंघन किया जा रहा था और इन पर 151 करके इनको जेल भेजा गया। कर्फ्यू का पालन सुबह से जो है ना पुलिस के द्वारा सख्ती से कराया जा रहा है, कड़ाई से। एक तरफ जहां पर कोरोना वायरस लोगों के जनजीवन को झकझोर कर रख दे रहा है, वहीं पर दूसरी ओर गर्मी के सीजन में फल सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी कोविड-19 की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के लिए प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू लागू किया, लेकिन इसका सीधा असर मौसमी फलों पर दिखाई दे रहा है और सब्जियों पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर छपारा का तरबूज देश के कई राज्यों में जाता है, लेकिन कोरोना काल की मार की वजह से तरबूज की खेती करने वाले किसानों पर आफत है, जैसे कि किसानों को सही दाम नहीं मिल पा रहे। इतना ही नहीं, खेत में लगी हुई फसल को तोड़कर लॉकडाउन के चलते बाजार और अन्य राज्यों में भेज नहीं पा रहे, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। प्रदेश के इंदौर में कोरोना काल में जहां पर हॉस्पिटलों में कई बार शव बदलने की घटना हो चुकी है, उसके बाद भी अब मुक्तिधाम में अस्थियां बदलने का मामला सामने आया है। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित रीजनल पार्क मुक्तिधाम में
क्षेत्र में ही रहने वाला परिवार तीसरे दिन मृतक गिरजाबाई कुशवाहा की अस्थियां लेने के लिए वहां पर पहुंचा तो वहां की साफ सफाई देखकर चौंक गया, जिस पर परिजनों ने तत्काल आपत्ति दर्ज की। मुक्तिधाम के कर्ता धर्ताओं से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि ये अस्थियां संबंधित व्यक्ति ले गए हैं, जिसके बाद में परिजनों ने अस्थियां ले जाने वाले मृतक से जो मृतक के जो परिजन थे उनसे संपर्क किया, उन्हें मुक्तिधाम बुलाया। परिजनों का आरोप है कि कोविड से मौत होने के कारण ये दाह संस्कार किया गया था, बाकायदा 4 नंबर की पर्ची भी काटी गई थी, लेकिन इस तरह की लापरवाही से परिजन आहत हैं। तो वहीं पर पूरे मामले में मुक्तिधाम में विवाद की स्थिति बनी देखकर मुक्तिधाम के कर्मचारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया है। अस्थियों को लेने के लिए भी यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ हमने हमारी बुआ जी का वो करा था अंतिम संस्कार, वहाँ पे पूरा प्लेन था, वहाँ पे अस्थि संचय जो लोग वो थी अस्थियाँ वो कुछ भी नहीं, खाली है। और दूसरा कि जो वहाँ पे अस्थियाँ थी वो किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने दे दी, मतलब हमारी बुआ जी की अस्थियाँ किसी दूसरे को दे दी और वो जो दूसरा व्यक्ति उसकी अस्थियाँ भी यहीं पड़ी हैं। क्या नाम था आपकी बुआ जी का? गिरजाबाई कुशवाहा। जो है उनका अंतिम संस्कार हुआ था और अंतिम संस्कार के बाद तीसरे दिन लेके जाते हैं यहाँ से, लेकिन इनको बता के गए, सब रसीद लिखवा के गए, नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर पर हमारी है, लेकिन 4 नंबर की जगह इन्होंने 5वें नंबर वाले को बोल दिया कि आपकी अस्थियाँ ले जाओ बिना कुछ रसीद देखे। जो अस्थियाँ लेके गए थे उनसे संपर्क किया था आप लोगों ने? हाँ वो है ये ना, ये रहे भाई साहब। क्या बोला उन्होंने? ये भी बोल रहे हैं कि हाँ गलत ले गए, इन्होंने बताया कि हाँ भैया गलत दी। वही रीवा में चोरहटा थाना अंतर्गत मड़ी गांव में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने जीजा के भाई को गोली मार दी, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल को उपचार के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां पर घटना की जानकारी लगने के बाद में पुलिस पहुंची और मामले की जाँच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपियों ने 3 फायर किए थे। उमेश पर फायर किए जाने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। वारदात का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्राम मढ़ी हरियाजी के घर के सामने रोड में आरोपी ऋषभ द्विवेदी राहुल द्विवेदी निवासी रानीगंज के यहाँ एक अन्य ये आए हैं गाड़ी से, आए आपसी विवाद इनके उमेश के भाई भयाहू के आपसी झगड़ा रहा और छोटा भाई के सार ऋषभ गोली मार इसको उमेश के गोली मार के हत्या करने की नीयत से गोली मारा। ये गोली बाएं हाथ की गदूरी से लगकर ऊपर निकली है, बाएं जांग में जाके लगी है। अपराध क्रमांक 021 धारा 3734 कायम कर। अगली खबर इंदौर से है, जहां पर आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता युवती ने एक ऑटो चालक से परेशान होकर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। दरअसल महिला का आरोप है कि ऑटो चालक महिला को लगातार परेशान कर रहा था, जिसे तंग आकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद में पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी ऑटो वाले को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की कार्रवाई और जांच पड़ताल जारी है। एक लड़की ने रिपोर्ट की थी कि तेजाजी नगर में एक लड़का ऑटो चलाता है, मनीष पिता भगवान जाजमिया 21 वर्ष का है, इसको आए दिन परेशान करता है, कल भी इसके साथ छेड़खानी किसने की या और पीछा करता रहता है, कमेंट्स करता है, कल असली तरीके से कमेंट्स भी कर रहा है, उसको छेड़खानी करी, इस पर से मामला पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे हम मानी नैला प्रस्तुत करेंगे। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।